अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मोहिब अली वीडियोस। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो आइए चलते हैं हम आपको एक दफ़ा और फिर छत पर लेके, जहाँ मैंने कहा था मैं आपको मालूमात दूंगी बंकर के बारे में। आइए मैं आपको दिखाती हूँ हम छत को किस तरह यूज़ कर सकते हैं एक आरजी तौर पर कमरा बना के। तो आपको मैं इसका बाहर से व्यू दिखाती हूँ। ये कितने वोल्ट का होते हैं? यहाँ पे इसका साइज देखें, बाहर से काफी बड़ा है। आइए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। ये देखिए जनाब, यहाँ पे इसका साइज देखें, काफी खुला कुशादा सा कमरा बन गया एक बंकर के अंदर। और ये देखिए यहाँ से आप विंडो भी हैं, दो गेट दिए हुए हैं वेंटिलेशन के लिए। काफ़ी वसी है जगह, आप इसमें आराम से अपना टेबल, चेयर्स और अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लैपटॉप, पंखा, लाइट्स वगैरह सब यूज़ की हुई हैं ताकि रात में भी इसे यूज़ किया जा सके। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बच्चे घर में शोर हो रहा होता है, तो वक्ती तौर पे हम उन्हें छत पे इस तरह का बना के दे सकते हैं। तो आइए इसके बारे में मालूमात लेते हैं सदाकत से। जी क्या कर रहे हैं आप यहाँ? मैं बस छोटा सा मेरा कमरा है, यहाँ पे मेरी पढ़ाई, सारा काम, सब कुछ मैं यहीं पे करता हूँ। अच्छा जी, तो अपना नाम बताइए आप पहले। मेरा नाम सदाकत अली और मोहिब अली का मैं कज़न हूँ बड़ा, और बस ये छोटा सा मेरा कमरा है जो मैंने घर क्या कहते हैं सोचा था कि कमरा हो अपना, तो मैंने कहा थोड़ी चाहिए होती काम वाम के लिए ताकि एक सुकून हो। फिर मुझे जहन में आइडिया आया, मैंने कहा छत पे टेंट लगाते हैं, वहाँ पे सुकून से बैठ के अपना काम होगा, मज़े से पूरा कमरा बना हुआ है, सारा काम मेरा सुकून से होता है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ रखी हुई है, जो जो काम की है मेरी, कूलर भी रखा हुआ है पानी पीना, बैग रखा हुआ है, ये छोटा सा पंखा और ये मेरा लैपटॉप, और मज़े से काम होता है मेरा यहाँ पर। आपके फ्रेंड्स वगैरह भी इजीली आ जाते होंगे आपको? कभी होता है कि दोस्तों को बुला रहा हूँ, सारे यहीं पर आके आराम से बैठ जाते हैं, सबको अच्छा भी लगता है, बोलते हैं यूनिक आइडिया छत पे ऐसे टेंट लगा लो। सही, और शाम के वक्त मौसम भी अच्छा, हवा भी चल रही होती है, इतना मज़ा आता है, फिर रात में तो और ही मज़ा आता है। ये दो ये दरवाज़ा लगाया हुआ है यहाँ से ताकि वेंटिलेशन होती रहो, इतनी कोई ठंडी हवा होती है, मज़ा आ रहा होता है यहाँ पर। तो आप भी मीडिया से ही ताल्लुक़ रखते हैं? जी मेरा ताल्लुक़ मीडिया से, फिल्म मेकिंग फोटोग्राफी मेरा शौक है, तो इसी चीज़ में मैं अपना करियर परसू कर रही हूँ। आपने ये कितना बड़ा, ये कितना यानी कि साइज़ क्या है इसका, टैंक का? 15 फीट बाय 15 फीट, 15 बाय 15। अच्छा जी, तो आपने आइडिया कैसे लिया इसका कि ये असल में क्या कहते हैं मैं ऐसी फेसबुक देख रहा था तो नहीं कहा यार, देखा मैंने यार टेंट लगे हुए और लोग ना वहाँ पे बैठे हुए, जैसे कि अब मेरा फिल्म मेकिंग से ताल्लुक है, लोग एडिटिंग कर रहे हैं, बैठे हुए एडिट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा आइडिया, मैंने कहा मैं बात कर दूँ अपने बाबा से, डिस्कस कर दूँ। मैंने बाबा से डिस्कस किया, उन्होंने कहा देखो और आइडिया, अब आइडिया देखे फिर ये एक टेंट मिला कि हाँ भाई आप कहीं भी लगा लो और काम करो अपना बैठ के आपका पूरा रूम। फिर हमने कहा चलो सर्च करते हैं, फिर देखा दुकानें देखी, फिर ये पसंद आया, तो इस तरीके से मेरे जहन में आइडिया है, फिर ये अब मैंने लगाया है, अब सुकून है। तो आपने ये ऑनलाइन लिया है या फिर आपने? ऑनलाइन भी है अवेलेबल, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव है क्योंकि वो पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ। फिर हमने कहा क्यों ना लोकल स्टोर पे ही जाया जाए, लोकल स्टोर पे क्या कहते हैं रीजनेबल प्राइस में मिल गया, तो ले लिया ये। फिर तो आपको क्या प्राइस में पड़ा ये? कम से कम हमें पड़ा है पूरी इंस्टॉलेशन के साथ 10,000 तक। अच्छा,
वैसे कहाँ कौन से एरिया से लिया आपने? हम गए थे आराम बाग, सदर से भी आगे बंस रोड का इलाका है, वहाँ पे सारे लाइन से टेंट वाले बैठे हैं, वो जो क्या कहते हैं कैंपिंग टेंट होते हैं और शादी वगैरह सारे हैं, सब कुछ मिलेगा। अच्छा। वहाँ से लिया, यानी के वो ऐसी मार्केट ठोक यानी के उसकी सारी इसी से रिलेटेड मार्केट है वो पूरी। तो ये तो अच्छा हुआ कि आपको अच्छी चीज़ मिल गई, बहुत अच्छी चीज़ है, बल्कि इसमें ज़्यादा ऑनलाइन से ज़्यादा वो है, बड़ा है इसका साइज़ भी, काफ़ी लोग आ सकते हैं आराम से, कम से कम 6-7 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे, 100 भी आएंगे। हाँ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, सही। तो बस यही है कि चलता रहता है इसी में काम, सुकून है कि हाँ रात को बैठ के, कभी होता है कि अब जैसे मेरा मीडिया से ताल्लुक है, मुझे लिखना होता है, एडिटिंग होती है, सब कुछ, तो इंशाल्लाह इसमें आराम से होता है। अब आगे मैं एक और भी चीज़ सोच रहा हूँ, मैं इसी के अंदर फोटोग्राफी भी स्टार्ट करूँगा अभी आगे। अच्छा, ये वेरी गुड, मैंने इसको अच्छे से सजा के, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता इसी के अंदर फोटोग्राफी वगैरह। गुड, ये तो अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त। मुझे यही मैंने कहा, मैं देखा तो अच्छा लगा, मैंने कहा सबको पता होना चाहिए कोई अगर, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में तो अक्सर घर छोटे ही होते हैं, बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है, अब ऑनलाइन क्लास है, घर में शोर हो रहा होता है, तो ये बहुत अच्छा यूनिक आइडिया है, बहुत यूनिक आइडिया है। अगर आपके पास आपकी छत है, बहुत छोटी भी छत है, छोटे भी साइज मिल जाते हैं, बड़े भी, आपके बच्चों के लिए एक सेफ्टी है, मतलब बच्चे ऊपर आके खेले सुकून से, सब कुछ आप उनके खिलौने, अगर छोटे बच्चे हैं उनका अलग कर दें, खिलौने वगैरह का रूम, और एक अच्छा, ये नहीं कहते कंफर्टेबल, कंफर्टेबल इजीली आप अपने फ्रेंड्स को भी बुला सकते हैं ऊपर, और काफी मजबूत है, कभी हवा चलती है तो मजबूत है ये पूरा। ये तो है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ क्या, और कुछ नहीं, बस ये हमारी छोटी अभी आती रहती है एंजॉय करने, यहाँ पे चूजे खोलती है, चूजे दिखाए आपने हमारी छत पे, चूजे भी है, हाँ अभी देखते हैं हम घूम तो रहे हैं, थैंक यू सदागत, ये खुल गए, क्या लाइट भी लगाई हुई अंदर? वाह भैया, हना साहब का तो बड़े कारनामे हैं, हना साहब ने अंदर लाइट भी लगाई हुई है, पिंजरे के अंदर लाइट है, वाह जी वाह, जबरदस्त काम किया हुआ है ना स्वाई ने, ये देखें हमारी भाभी के प्यारे प्यारे पौधों पे चढ़े हुए हैं ये दो अदद चूजे, और ये खराब कर रहे हैं, ये देखें, बैठ जा।